हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं कि बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है सीएसआईआर नेट या फिर जैम के लिए जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उनको ही कंसिडर करेंगे यहाँ पर, जिनके रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं कि कोई फंक्शन दिया होता है, बताओ कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं, या फिर कनेक्टेड है कि नहीं, या फिर जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम ना उनका यूनियन दिया होगा कि यूनियन कनेक्टेड है कि नहीं, यूनियन पार कनेक्टेड है कि नहीं, यूनियन कॉम्पैक्ट है कि नहीं, यूनियन का जो भी फंक्शन है यहाँ पे उसका लिमिट पॉइंट बताओ, उसका पीरियड है कि नहीं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, राइट। तो बेसिक ग्राफ तो आप लोग को पता ही, तो मैं बेसिक ग्राफ में नहीं जा रहा हूँ, लाइक लीनियर का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब तो आपको होप कि आपको सब पता होगा। यहाँ पर मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है ना उनके ऊपर जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ड्रॉ करूंगा, बिकॉज अगर मैं ड्रॉ करता तो थोड़ा सा गंदा ड्रॉ होता, दैट्स व्हाई आई केम हियर। मैं अपने जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं ये सारे ग्राफ को याद करके गया था, और हाँ इन ग्राफ को याद करने से फायदा ये होता है कि आपके कनेक्टेड वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कॉम्पैक्टनेस वगैरह के। और ये जो ग्राफ्स है ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, जो सीक्वेंस वाला जो चैप्टर है या फिर सीरीज वाला चैप्टर है उसमें भी काम आता है, राइट। क्योंकि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसको किसी फंक्शन से कंपेयर करना, ग्राफिकली कंपेयर करना, तो उसका ग्राफ कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं सब बताना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो सबसे पहला ग्राफ है ना वो है ये x into sin x, ठीक है। तो x into sin x का ग्राफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि x into sin x कनेक्टेड है कि नहीं, पाथ कनेक्टेड है। तो हाँ है, ग्राफ से आपको दिख गया कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उसको एक पॉलीगॉन पाथ से आप जोड़ पाओगे, तो वो क्या हो गया, कनेक्टेड पाथ, कनेक्टेड यहाँ से आप बता दिए, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसमें ही किसी का यूनियन कर दिया उसने, या फिर किसी सर्कल ले लिया, सर्कल का इंटरसेक्शन कर दिया, तो उस सर्कल का ही मतलब उतने ही रेंज में बताना है, राइट। तो ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ कैसा है कि ये साइन एक्स को हम वन अपॉन एक्स करने वाले हैं बस। तो अगर इस ग्राफ को हम देखा जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर जूम करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखिए। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। साइन एक्स साइन वन अपॉन एक्स के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि एक्स साइन वन अपॉन एक्स दिया हुआ था और एक सर्कल दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन का एक हमें क्या दिया हुआ था, छोटा कर दो सर्कल देने के लिए, ये हमें इनका इन दोनों का यूनियन दिया हुआ था और पूछा था कि वो यूनियन जो है वो कनेक्टेड होगा कि नहीं, या फिर पाथ कनेक्टेड होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो देख लो, इन दोनों सर्कल का यूनियन ले लो, सर्कल का और इस ग्राफ का, अगर आपको पता आपने दोनों का यूनियन ले लिया, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। आपको क्या करना, कोई भी दो पॉइंट लो तो आप उसको एक पॉलीगॉन पाथ से जोड़ पाओगे, हाँ जोड़ पाओगे, तो ये क्या हो गया, पाथ कनेक्टेड हो गया, पाथ कनेक्टेड हो गया तो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। अगर किसी को x sin 1 अपॉन x का ग्राफ नहीं पता है तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है इसको बताने में, इन दोनों की, वो भी इन दोनों के यूनियन को बताने में। सिमिलरली x sin 1 अपॉन x यूनियन x sin x ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेडली आए हैं, तो आप लोग को ये छोड़ के नहीं आना है। अगला जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर तो x ही रखने वाले हैं, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 1 अपॉन x कर दिया। तो ये बेसिकली sin x अपॉन x का ग्राफ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, साइन एक्स अपॉन एक्स जो ग्राफ है, इसको हल्का सा एक अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है ये टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ से, ठीक है। अगर देखा जाए तो हाँ, ये टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ से बहुत ही छोटा सा, बहुत ही हल्का सा इसको अप्रोक्सीमेट किया, उतना भी अप्रोक्सीमेट नहीं किया जाता, बट हाँ थोड़ा सा एरर लेके अप्रोक्सीमेट करने का हम ट्राई कर सकते हैं। तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ भी आपको याद रखना, वो भी हम बनाएंगे अभी। और इसमें क्या करना है, इसको वन अपॉन एक्स कर दो, ठीक है। इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है, उसको भी एग्जाम में बहुत बार ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो ये सब ग्राफ आप बना लो, अपने कॉपी में बना लो, दो चार बार प्रैक्टिस कर लो, तो आपको ऑटोमेटिकली इनका सब हो जाएगा कि कैसे होता है। उसके बाद जो अगला ग्राफ है ना वो है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरह के साइन हाइपरबोलिक का हमारा काम नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे एक्स क्यूब के साथ। तो देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमें मिल गया, तो हम इस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से अपने जो भी डेफिनेशन से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हमें आइडिया नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अगला हमारा जो, या फिर सीक्वेंस में मान लो आ गया कि साइन हाइपरबोलिक एन का सीक्वेंस है, तो उसको मैंने एन क्यूब के साथ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दिया कि लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, उससे मैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वहां से इजिली बता ले जाऊंगा। उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसको देखो, हम लोग एक पैराबोला से एक्स स्क्वायर प्लस वन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं,
आराम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में इस तरह की चीजें काम आती हैं कि कॉस एन हाइपरबोलिक एन को मैं क्या कर रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ एन स्क्वायर प्लस वन सीक्वेंस से, राइट। तो इस तरह की चीजों का काम आता है, फिर इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा काम आ सकता है, राइट। उसके बाद हमारा है क्या, टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको भी याद रखना है। देखो इस तरह का एक ब्यूटीफुल सा ग्राफ बना हुआ है, तो इसको भी याद रखना है, राइट। इसको भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो हाँ हम थोड़ा सा रूट एक्स पे आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन देगा, बट ठीक है, एक काइंड ऑफ हमें मिल जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर हमें एक क्या रखना है कि e रेस टू 1 अपॉन x का ग्राफ हमें याद रखना है, और e रेस टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x का ग्राफ याद रखना है। जब भी x पे माइनस होगा ना, तो ये जो ग्राफ है पलटी हो जाता है, मतलब इधर का इधर चले जाता है और इधर का इधर आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ई रेस टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो जगह देखा ये रिपीट हुआ है, और बहुत ही मतलब सीक्वेंस में भी रिपीट हुआ है, ई रेस टू वन अपॉन एन टाइप में इस तरह की चीजें आई हुई। तो उसका ग्राफ अगर पता होगा तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे। अगर मैं यहीं पे माइनस लगा दूंगा तो देखना कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, मिरर हो जाएंगे। देखो जो एक्स एक्स साइड था वो वाई के साइड चला गया, जो वाई के साइड था वो एक्स के साइड आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये जो जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ है, बट वो एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में से एक है। तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मुश्किल से 8 या 10 ग्राफ हैं, आप अगर रोज 2-3 बार लिख लोगे, अगर 10-15 मिनट निकाल के, तो आपको इजिली हो जाएगा और आराम से आपको ये 8 से 9 से 10 नंबर देके एग्जाम में चला जाएगा, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपको इजिली मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। बाय।